अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमाम सुनने वाले भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों को नहायत अदब से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। तो व्यूअर्स, आज मैं अपने इस व्लॉग में आपको अपने साथ दरपेश, जिसमें अगर मैं ये कहूँ कि तमाम पाकिस्तानी या गरीब और मुतवसत तबके के मैक्सिमम पाकिस्तानी इस मसले से दो चार और उसकी तरफ आपकी तवज्जो को मरकूज कराना चाहता हूँ। उससे पहले आपको जहाँ पर मैं रहता हूँ उस इलाके का एक विजन दिखा रहा हूँ, एक व्यू दिखा रहा हूँ और अपने इस इलाके की खूबसूरती आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ताकि आपके जो जहन है उनको थोड़ा सा फ्रेश किया जा सके। हम लोग मसाइल से घिरे हुए हैं, तमाम किस्म के मसाइल हमें दरपेश हैं और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आज ये आपको पहले एक खूबसूरत मंजर का नज़ारा करा रहा हूँ, एक खूबसूरत मंजर आपके आप लोगों के शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद एक इंतहाई अहम मसला जो आप लोगों की खिदमत में पेश करना और आप सब भाइयों दोस्तों के बहुत सच से अपनी आवाज़ को ही बने वाला तक पहुँचाना इसका मकसद है। इसी के लिए मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत होगी और अगर ये मसला ही बने वाला तक पहुँच जाता है, अगर हल हो जाता है हमारे इस छोटी सी वीडियो के तौसत से या किसी भी सूरत में, तो बहुत बड़ी तादाद होगी हमारे मुल्क में हमारे जैसे लोगों की, हमारे भाइयों की, जो इससे मुस्तफ़ीद होगी और इससे फ़ायदा उठाएगी। वीडियो में इस व्लॉग में आपको जो मसला आपके सामने रखा जाएगा और आपके तवसत से आपके ज़रिए से जो ईमान वाला तक पहुँचाने का मकसद है, वो किसी की दिलाजारी नहीं है बल्कि इस इंतहाई अहम इशू को हल करना। क्या आप अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों को समझाना जिनको अभी तक इस मसले के बारे में पता नहीं, हो सकता है लोगों को इसके बारे में इल्म भी हो और इससे किसी हद तक आगाह भी हो, लेकिन फिर भी अपनी एक छोटी सी कोशिश, एक अदना सी नेकी इसको कह लें कि इसमें हिस्सा डाल लो, ताकि इसका सदबाब किया जा सके। इसका सदबाब करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों की मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इसमें आप सबकी, भाइयों की, दोस्तों की मदद की ज़रूरत होगी। इस वीडियो को जितना शेयर किया जाएगा उतना ही ये ज़्यादा वायरल होगी और हो सकता है किसी एक बंदे से बंदे की शेयर की हुई वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक पहुँचाने का मेरा मकसद है। तो भाइयों, मैं ये कह रहा था कि इस मसले को बने वाला तक पहुँचाना इस कदर ज़रूरी है और इसमें हर एक को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, ताकि हमारा इस गंभीर मसले से जो है वो हमारा ये मसला हल हो जाए। जिस तरह वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो अब चलते हैं असल मसले की तरफ, उससे मैं आपको आगाह करता हूँ और उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं जिस मसले की तरफ आपकी तवज्जो को मरकूज कराना चाहता हूँ, वो आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल पड़ा है। तो भाइयों, हमारी इस कौम के साथ ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। तो आपके साथ ये बातें मैं जो शेयर करूँगा, वो आपसे इल्तिमास है कि आप इनको जितना हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि आने वाला में जो हमारे ऊपर बंदे तशरीफ़ फरमाएँ उनके के लिए। सबसे पहले कि ये इस महीने का प्रेजेंट बिल है जो अभी तक इस बंदे ने जमा नहीं कराया, तो ये मेरी नज़र से गुजरा है, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत कम बंदे होते हैं जो इंतहाई मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, उनके साथ ये मसला ज़्यादा करते हैं। तो ये बिल है, इसमें आप देख सकते हैं सितंबर 2022, आगे ये यूनिटों की तरह रही है, यूनिट्स ये मंथ है, आगे इसके बिल हैं 192, 195, 149। तो आप देखें ये अगस्त 2023 और ये सितंबर 2023
रिलीज कर देना, क्योंकि ये जमा होगा तो उसके बाद इस रिकॉर्ड में अगले मंथ को आएगा। इस बाइक की सिर्फ एक दफ़ा जुलाई 2023 में यूनिट जो है 202 को उन्होंने क्रॉस किया है। तो भाइयों बात करने का मकसद ये है कि जब 202 को क्रॉस किया है, 100 ऊपर देखेंगे ना तो 189 यूनिटों का जो बिल है वो आया हुआ है 2683 रुपये। यूँ ही इस बेचारे की जून में 189 यूनिट हैं, मई में 192 यूनिट हैं, तो इसका बिल है 2858। तो जून ही जुलाई में इसका बिल 202 यूनिटों पर गया, यानी कि 200 से सिर्फ 2 यूनिटें ऊपर गई हैं, तो इसका बिल हो गया 6339 रुपीज़। और उसके बाद अगस्त में इस बेचारे ने फिर कंट्रोल किया, इसका बिल हो गया 196 यूनिट और बिल हो गया 7320। और प्रेजेंट जो इसका बिल है वो अगर आप ये देख लें, ये लिखा हुआ है 195 यूनिट्स, और प्रेजेंट बिल की तरफ मैं आपका आपको दिखा सकूँ तो ये इसका प्रेजेंट बिल है 6523 रुपये। और इसकी जो डेट है जमा कराने की आखिरी तारीख वो अगर आप देख सकें तो ये अभी 5 अक्टूबर 2023 को इसने जमा होना है, आज 3 अक्टूबर है। तो इस बंदे के पास अभी इतनी गुंजाइश नहीं है कि ये अपना बिल जमा करा सके, जिसकी वजह से अभी तक ये जमा नहीं हुआ है। और इसको रेट क्या लगा है 195 यूनिटों के ऊपर, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो इसमें रेट लिखा होगा ये 22.9500। तो वैसे अमूमन ही होता है कि 100 यूनिट तक 7 रुपये और कुछ पैसे, और उससे ऊपर जो यूनिट होते हैं 200 तक 10 रुपये और कुछ पैसे रेट होते हैं। लेकिन इस बेचारे से मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, इसके घर वालों ने लापरवाही कर दी या इससे जुल्म हो गया हमारी वर्दा के ऊपर, हमारे इस मौत पर इदारे के ऊपर, किसी यूनिट 2 ऊपर चढ़ गई पूरे साल में, तो इसको भी ये सज़ा मिल रही है। इसने दफ्तर में रब्ता करने की कोशिश की है, उनसे जाके कहा कि जी एक दफ़ा मेरी 202 यूनिटें हुई हैं तो आपने बिल ले लिया 6339 रुपये, अभी तो मेरी 196 यूनिटें हैं, अब 195 यूनिटें वो हैं, तो आप मेरा बिल बढ़ाए मेहरबानी कम करें, जो रेट लगता है 200 यूनिट से कम बंदे वालों को, तो वो लगाएं। तो उन्होंने कहा जी ये 6 महीने तक आपका यही रेट लगेगा, 6 महीने के बाद आपका बिल जो है वो कम होगा। तो मैं आप तमाम भाइयों से ये आपकी इसी पर तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूँ कि ये इतना जुल्म है हमारी कौम के साथ, इतना बड़ा जुल्म है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या हमारे साथ हो रहा है, हम लोग इस कदर पस्ती में जा रहे हैं कि इसके बारे में मैं क्या बोलता हूँ। आप ये सोच सकते हैं कि यार एक बंदे से सिर्फ 2 यूनिटें ऊपर हुई हैं और उन्होंने इसका उसको बोले 6 महीने तक भुगतना पड़ेगा। यार ये कौन से मुल्क में हम रह रहे हैं, कौन सा जुल्म हमने कर दिया है इस जगह रहने का, और गरीब लोग कहाँ जाए। ठीक है उससे 2 यूनिटें ऊपर हुई, आपने बिल दे दिया, यार जब उसकी वापस आ गई तो उसको 6 महीने की किस चीज़ की सजा है, उसको आप क्या क्या उसके साथ जुल्म करना चाहते हैं, किस चीज़ की उसको सजा देना चाहते हैं। मेरा आप सबसे भाइयों से बताने का मकसद ये है कि भाई ये हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, ठीक है जो महंगी है जिस तरह भी है वो एक वो हमें दे देते हैं, गोली हमें दे देते हैं, या वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि हमारे साथ मुल्क बड़ा डिफॉल्ट कर रहा है, तो ये है तो पैसे नहीं है तो वादा में ये हो गया, तो यार वो तो चलो सो हो गया जो हो गया। ये जो है कि एक बंदे का बिल 195 यहाँ आ गई और 200 से वो नीचे आ गई, तो 6 महीने किस चीज़ की सजा होती है यार। एक लाइन में वादा में जो बत्ती होता है, मैं भी आपको इधारे की बात बताऊँ तो वो मरने तक पेंशन भी होगी, उसके मरने तक उसके घर की बिजली माफ़ है, जो बड़े अफसर है वो छोड़ दें, सिर्फ एक छोटे मीटर रीडर, एक लाइन मैन, एक आप कंप्लेन ऑफिस में बैठा हुआ एक बंदा, या एक ब्रदर, कोई भी जो वादा का परमानेंट बना बना उसका बिजली का माफ़ है। तो यार ये आप तमाम भाइयों, आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको इस वीडियो को जितना कर सकते हैं उतना वायरल करें, उतना शेयर करें, ताकि ये ऊपर जो हमारे बरसरे इकतदार लोग बैठे हुए हैं, जो अफवानों की कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उन तक ये बात पहुँचे, और कम अज़ कम इसका सदैव को करें ना। 16 तारीख को मेरे ख्याल में इसकी सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो है खड़ी है, इस पर डिबेट होगी, तो आप लोग मेहरबानी करें, आप लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट है कि इसको जितना हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि ये उन तक पहुँचे, और वो कम अज़ कम इस चीज़ को ख़त्म कर दें कि अगर बिल 200 यूनिट से जो ही नीचे आता है तो बंदे को फिर उसके बाद उसके साथ वही रेट लगे जो उसका बनता है, जो उसको बनता है वो दे वो उसको देना चाहिए। आप भी इस बारे में बात करेंगे कि देना चाहिए, मैं भी इसी के लिए यही कहता हूँ कि उसको देना चाहिए, लेकिन उससे एक्स्ट्रा हो यार किस चीज़ देते हैं हमारी गुजर पसंद।